वन समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों ने वन विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और घास के नाम पर अवैध वसूली करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं थांदला वन विभाग क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सब रेंज थांदला के बीट क्रमांक 49 की, जो कि पेटलावद जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झोसर के समीप स्थित है, जहाँ के वन विभाग की जो समिति है, वन समिति है, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वन समिति से अवैध रूप से घास के नाम पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा वसूली की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। जबकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर पूरा अधिकार है, उसके बावजूद भी वन विभाग के जो अधिकारी है वो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं और हमसे 600-600 रुपए लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वन समिति में कुल 120 सदस्य है, जिनसे अवैध रूप से वसूली करने का मामला सामने आया है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों को वन समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। कहाँ से बड़ा करा थे ना? ये जंगल रखा। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, तो कौन से जंगल रखा है? सुनो, ये अधिकार किसने दिया आपको? पूरे फॉरेस्ट का ये करने नहीं दिया किसने? क्यों बाबर साहब ही करवा रहे? खून नहीं दिया मेरा, या नहीं दिया आप करवा रहे? ये नाली थी, मतलब ये खून दिख रही थी। आप जो बेच रहे हो हमारी? अरे भैया नहीं बेच रहे, हम अकेला दूध बेच रहे हैं। हमारे गांव वाले ले जा रहे हैं, कौन गांव वाले ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं गांव वाले। आरोप तो बहुत, आरोप नहीं, आरोप नहीं, आप झगड़ा कर रहे हो। पूरा पूरा ये सच्चाई है, अभी तक सच्चाई है, मैंने नहीं बोला था अभी तक, ये सच्चाई है। और रही बात, ये हम इस बार हम ये सरनोई रखेंगे, ये वन समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष ने वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारी मजदूरों को लाकर यहां पर वन विभाग की रेंज में काम करवाया जाता है, जबकि स्थानीय समिति से कोई बातचीत नहीं की जाती है। स्थानीय जो वन समिति है उसे कुल मिलाकर दरकिनार करने का काम वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वन समिति के सदस्यों और अध्यक्ष ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर तार सिंह भाबर सहित रेंजर धोरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला साबियो जो ये यहाँ 50 हेक्टर जगह है, यहाँ मतलब अने रोकी, अब अने भाबर साहब इन्होंने तो ये रोका रही है। अब इन केवा जहाँ था तू कह रोके के वहाँ 3 लाख मांगे है। अरे हरा 3 लाख किस बात के मांगते हैं? यो मांगे कैलाश, मैं रखवाली करवाना 3 लाख, हरा 3 लाख आल दे एक साल ना, ऐसा बोलता। और दिन बाद और यहाँ पट्टी थी सबनी पट्टी वाड़ेली पाटा पाड़ेला ये पट्टी सब वाड़ ली थी यहाँ ऊपर ऊपर। अभी ना केवा जात के कला 25,000 हाल दो वाड़ो बोले, हाँ ऊपर 25,000 हाल दो और ये पट्टी वाड़ो एवं बोले ना पैसा यो दोहरे साहब से उगरा बनी हो से जब मैं करे कोई मैं जब मैं ही नहीं करे कहीं नहीं। हाँ यो बस दोहरे नहीं हो मई बाबर दो ही करे और अने अने चौकीदार है, जो काम भी सारो सामलत में वे सौ काम भी करो, पर ती नहीं है सब। गांव का मैं रही बात, अभी मैं साल भर से पूरी बारिश हो गई है, इनकी अनकानी सुनते सुनते अध्यक्ष महोदय जो इस जंगल का अध्यक्ष है वो आके बोलता है कि मेरे से पैसे मांगते हैं, काय के पैसे मांग रहे हैं? तो बोले हमने ये जंगल छोड़ रखा, इसके पैसे चाहिए हमको। हमें क्या कितने पैसे चाहिए? कि हमको सालाना 1.5 लाख रुपये चाहिए, 3.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये चाहिए सालाना। छोटी सी पट्टी मतलब 50 हेक्टर जमीन को छुट्टी है उनके, और यहाँ जो इंदर है ये इसमें हमारे क्या सदस्य जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए। इन लोगों ने रेंजर साहब ने या दोहरे साहब ने या अपने इस डिप्टी साहब ने बोला होगा उस व्यक्ति को, तब जाकर वो 30,000 रुपये एक पट्टी क्या मांग रहे हैं। जबकि हमारे समिति में इतने वर्षों से अभी कभी ऐसी बात नहीं आई कि हम 1,000 रुपये के 30,000 रुपये दें। हमारा जो समिति डिसीजन और समिति निर्णय करती है उसके माध्यम से समिति चलती है हमारी, और आज से नहीं बहुत वर्षों से चल रही है। अभी 2 साल से ये साहब हमारे आए हैं तो हमारा इस जंगल के भी पैसे मांगते हैं कि 3.5 लाख रुपए सालाना चाहिए। 3 साल से हम रखते सालाना, अगर 3.5 लाख करे 3 साल से यहाँ कर रहे तो कितने 10 लाख रुपए बन रहे, 10.5 लाख रुपए। अब 10.5 लाख रुपए तो समिति तो नहीं दे सकते ना, समिति के माध्यम से जो पैसे मिल दे रहे हम, समिति डिसीजन करती वो पैसे दे पाते। अब क्या हमको अगर साहब डिप्टी साहब और दोहरे साहब इस जंगल में पट्टा देते हो तो हम सालाना 3.5 लाख रुपये दे दें, देने के लिए तैयार है हमारी समिति। बाकी ये पैसे लेके कहाँ किन किन किस विभाग में जमा करना चाहते हैं? अरे
ये पैसे लेकर किस विभाग में जमा करना चाहते, जबकि हम इस जल जंगल के मालिक, हम आदिवासी और हमारी आदिवासियों समिति की नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये पैसे किसके पास जाना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? ये ऑलरेडी इन पट्टियों के 25-25 हज़ार रुपए हैं, ये पैसे किनको देना चाहते हैं? जबकि हमारे समिति जो तय करती है उसके माध्यम से हम पैसे दे। और अभी आज शब्द जो बोले रस्ते में दोहरे साहब हमारे इस अध्यक्ष महोदय को कि तू मेरा जो उखाड़ लेना, जो करना वो कर लेना, ये शब्द अध्यक्ष दोनों उप अध्यक्षों के इन्हें फोन पे बोला, तो ये बोलने का अधिकार इतना इनको नहीं है। हमारी समिति डिसीजन करती है, उसी पे माध्यम करते हैं हम और उसी पे डिसीजन करते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी ये समिति को नहीं मानते, ये समिति को नहीं मानते, ये कहते हैं जो हमारा उखाड़ लेना अध्यक्ष को बोला और उपाध्यक्ष को बोला सुबह फोन पे, मैं जो पैसे है वो तो लूंगा, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ये शब्द बोले हैं। कि पट्टी में काट रहे हैं चारा, तो बाबर साहब बोलते हैं कि ये पट्टी तो जो दूसरा चौकीदार रख रखा है उसके, मतलब वो ये क्या बोले, वो दौड़ रहा है उसलिए वो काट रहा है। हमारा क्या है कि यहाँ से 50 हेक्टेयर जमीन छुट्टी हुई है, उसमें हमने छोड़ दिया, तो ये वहाँ पे ये कैलाश पारगी बोलता है कि 3.5 लाख रुपये मेरे को हर साल के चाहिए। अब 3.5 लाख का या तो दोहरे साहब ने या बाबर साहब ने इन्होंने बताया होगा उनको, तो उसने बोला मेरे को कैलाश पारगी, इन्होंने चौकीदार रख रखा है, हाँ इनका अलग से, और हमारा गांव का चौकीदार हमने दो अलग रखे समिति द्वारा, जो समिति कहते हैं कि इस आदमी को रखना वही आदमी हम रखते हैं, और समिति निर्णय करती कि इसको इनको 5,000 रुपये देंगे 6,000 देंगे। अच्छा, अभी वन विभाग की रेंज में कई काम चल रहे हैं, तो क्या समिति को मजदूरी वगैरह मिली अभी इस वर्ष? अभी कहीं नहीं मिली, बाहर से मजदूर ला के इन्होंने काम करवाया, हमारे गांव से कोई मजदूर को नहीं बताया। मशीन भी चलाई, जेसीबी चलाई, पोकलैंड चलाई, क्या बनाया? तालाब बनाया, वो अपने हमारे इसमें नहीं है, वो कोदली रेंज में इसमें है, कोदली बीट में। तालाब कौन बनाया? तालाब बाबर साहब ने, उन्होंने बनाया। वन समिति द्वारा वन विभाग के अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर जब हमारे द्वारा वन विभाग के डिप्टी रेंजर तार सिंह भाबर से चर्चा करना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर बयान देने से मना कर दिया और कहा कि आपको अगर इस मामले में बयान चाहिए तो आपको जिला स्तर के अधिकारियों से चर्चा करना होगी। क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए बने रहे सीबी लाइव के साथ शान ठाकुर, पेटलावद।